धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से बोलना चाहूंगा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज बोलने का मौका दिया। बहुत बड़ी बड़ी सरकार की बातें रखी गई महामहिम द्वारा कि किस तरीके से सरकार ने पिछले वर्षों में और आने वाले वर्षों में देश की उन्नति और विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। मैं शुरू करूंगा कि सरकार बारी बारी स्किल इंडिया की बात करती है, रोजगार की बात करती है। हैरानी की बात यह है कि जो स्किल इंडिया कार्यक्रम सरकार का है वो एक सफेद हाथी जैसा है जिसको बारी बारी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, मगर ग्राउंड रियलिटी यह है कि स्किल इंडिया के माध्यम से आज के दिन भी एम्प्लॉयमेंट जो युवा साथी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। खुद नेशनल करियर सर्विसेज के आंकड़े बताते हैं कि 1,70,000 नौकरियों के लिए 1,03,00,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। पिछले दिन हरियाणा में ग्रुप डी के रोजगार निकले थे। 17,000 नौकरियों के लिए 18,00,000 बच्चों ने, पीएचडी करे हुए बच्चों ने भी माली की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार चाहती तो मोदी जी का वो वादा भी सरकार को याद रहना चाहिए था जिसके अंदर कहा था कि हर वर्ष 10,00,000 नए रोजगार लगाए जाएंगे। सरकारी आंकड़े तो देती नहीं कि 10,00,000 की बात करने वाली सरकार कोई 10% भी रोजगार में इजाफा इस देश में लेकर आई। आज तो ये हालात है, केंद्रीय विद्यालय जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिट्स के अंदर भी प्रिंसिपल के पद तक, टीचर के पद तक खाली पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के आंकड़े बताते हैं कि प्रोफेसर लेक्चरर की कितनी वैकेंसीज देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में खाली पड़ी। और आप सरकारी नौकरियों की बात करिए, आप यूनियन की बात करिए या स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करिए, केवल मात्र ठेकेदारों को ज्यादा बढ़ोतरी मिले उससे हमारे आने वाले भविष्य के रोजगार में कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का काम ये सरकार कर रही। दूसरी ओर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की बढ़ाई करी गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 3 गांव गोद लिए और आज ये हालात है कि सांसद जो गांव जो मैंने गोद लिया उसका सरकारी स्कूल गुस्काणी का, सरकार कहती है कि हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बनाएंगे, क्लासरूम तोड़ दिए गए बिना सैंक्शन लिए। और आज ये हालात है कि 1 साल के लगभग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने नए क्लासरूम की अप्रूवल ली दिया, बच्चों को बाहर खुले में पढ़ाई करनी पड़ती। ये हालात है कि किसी भी सांसद आदर्श ग्राम योजना में ना सड़कें लगी जैसे पप्पू जी कह रहे थे, ना वहां पर आंगनबाड़ियां बनी, ना राजीव गांधी केंद्र बने, ना अस्पताल बने। ये योजना क्यों और किस विजन के लिए शुरू प्रधानमंत्री ने करी थी इसके ऊपर आज तक भारत सरकार अपना विजन नहीं दे पाई। जहां बात करी जाती है फसल बीमा योजना की, मेरे से ज्यादा सारे सांसद जानते हैं, मैं तो ये बोलूंगा ये फसल बिना योजना है। जहां किसान से पैसा ले लिया जाता है, हरियाणा का आंकड़ा है कि खरीफ 2016 के अंदर 123 करोड़ रुपया फार्मर से, 127 करोड़ रुपया लिया गया, और जब बांटने की बात आई तो लंबी लंबी कतारें तो उन कंपनियों के दरवाजे पर लगी, मगर किसान को कहीं भी उसकी फसल के बीमे के पैसे आज तक नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, बारी बारी बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम लेकर ये सरकार द्वारा दर्शाया जाता है कि विकास कराया जा रहा है, मगर धरातल की तस्वीर ये है कि चाहे डिजिटल इंडिया, आज डिजिटलाइजेशन की बात करी जाती है, कह दिया जाता है कि 1,00,000 किलोमीटर हमने ऑप्टिक फाइबर बिछाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो आप बताइए किस ग्राम पंचायत में ऑप्टिक फाइबर आने के बावजूद भी कोई ऐसा सेटअप किया हो कि गांव डिजिटलाइज हुआ। मैंने अपने एमपी लैड से, आप चेयरमैन है कमेटी के, मैंने वाईफाई लगवाया, उस वाईफाई के लिए भी मेरे को प्रधानमंत्री के दफ्तर तक जाकर अप्रूवल लाना पड़ा। 2 साल में तो वाईफाई अप्रूव हुआ और साल खत्म होते ही सरकार ने कह दिया कि आप एमपी लैड से उस वाईफाई को चलाने के पैसे दोबारा नहीं दे सकते। आज रेलवे का क्रेडिट लिया जाता है कि हमने रेलवे के सारे जो मैनलेस फाटक थे उनको बंद कर दिया, उनपे फाटक अनमैन्ड फाटक थे। आज ये हालात है, मैं जींद में था पिछले महीने, जींद हरियाणा का सबसे पुराना जिला है और ये कांग्रेस और बीजेपी के कारनामे हैं कि 15 साल के राज में जब से फाटक के ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनने लगे हैं उस जींद के अंदर दो, एक ओवरब्रिज एक अंडरब्रिज बनाने का काम कर पाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मुश्किल से इस सेशन में पहली बार बोलने का मौका मिला, आज तो माइक बंद ना करो। जहां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही टॉपिक ले रहा हूं जो सरकार द्वारा रखे गए राष्ट्रपति द्वारा। जहां ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करिए, मैं बधाई दूंगा कि योजना सरकार ने बनाई कि हम हर घर को लोकसभा चुनाव से पहले बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। मैं मेरे एमपी लैड से बताना चाहूंगा, 6.5 करोड़ रुपया खर्च चुका हूं ढाणियों में बिजली पहुंचाने का। आपको अगर लोग जैसे गुजरात मॉडल देखते हैं, ढाणियों में बिजली पहुंचाने का मॉडल चाहिए तो इशारा कर देखिए। आज ये हालात है कि लगभग 4000 आशियानों को, लोगों को हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक चीज कहना चाहूंगा। जहां प्रधानमंत्री पीएमजे योजना सरकार लेकर आई, मैंने पहले भी इस सदन में रखा था, बहुत अच्छी योजना है, जहां गरीब आदमी को अस्पताल की युवा सुविधा प्राइवेट तौर पर गवर्नमेंट अपने खर्चे पर देगी 5 लाख तक के। मगर अगर आपने उस योजना को अच्छी तरह लेकर जाना है तो मेरा एक सुझाव सरकार के लिए है कि आप इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।